बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना आमिर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट जलेबी। वैसे तो जलेबी को काफ़ी घंटों तक उसका बैटर बना के रखना पड़ता है, लेकिन आज हम आपको जो जलेबी बनाना सिखा रहे हैं वो फ़ौरन ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो चले फिर इसके लिए चीज़ों को देख लेते हैं। क्या क्या लिया हमने यहाँ पर? मैदा लिया है हमने 1 कप। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर माश की दाल, ये पिसी हुई रखी है। मैंने 1/4 कप माश की दाल ली थी और इसको 2.5 घंटे भिगोकर पानी में रख दिया था, धोकर उसको भिगोकर रख दिया था। उसके बाद उसको मैंने पीस लिया, बिल्कुल थोड़े से पानी में उसको डालकर पीसा है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 पिंच इसमें जाएगा फूड कलर। और यहाँ पर लिया हमने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। बेकिंग पाउडर है ये, बेकिंग सोडा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया और पानी जाएगा यहाँ पे 1 कप। अभी हमने पानी लिया है, फिर देखेंगे जब हम बैटर बनाएंगे तो हमें तकरीबन कितना लगेगा, फिर वो आपको उस वक्त बताएंगे। चले फिर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक बाउल लिया हमने, इसमें मैदा ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे फूड कलर, बेकिंग पाउडर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। पानी एक साथ बिल्कुल नहीं जाना है क्योंकि हमें बहुत गाढ़ा ही इसका पेस्ट अभी बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से बिल्कुल फिट गया है, ये देखें। और ये देखें कप में से बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा है, ये आप देख सकते हैं। बस अब इसके अंदर हम ये जो दाल है पिसी हुई ये ऐड कर देते हैं और इसे दोबारा अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसको हाथों की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और आप इसकी डायरेक्शन देख लें कि आपको इसको कैसे फेंटना है। ये देखें इस तरह तकरीबन 5 मिनट तक आपको इसको इस तरह फेंटना है। अगर इससे नहीं कर रहे आप तो आप फिर विस्क की मदद से, अगर आप नहीं कर रहे तो आप हाथों से इसी तरह करके इसको फेंटेंगे। ये देखें, और इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा ना पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखें बस ये हो गया। और दाल बहुत अच्छी आप पीसीएगा, जब आप इसकी दाल को पीसें तो बहुत बारीक बिल्कुल पीसीएगा कि उसके दाने बिल्कुल भी ना आए। तो ये रेडी हो गया, बस इसको साइड में रख देते हैं। अब शीरा बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने चाशनी बनाने के लिए एक सॉस पैन लिया हुआ है और इसमें 2 कप चीनी ऐड करेंगे और 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर। चमचा चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से जो है वो डिजॉल्व हो जाए। यहाँ देखिए चीनी डिजॉल्व हो गई। अब इसमें 2 से 3 इलायचियाँ डाल देंगे। अगर आपकी चीनी साफ नहीं है तो आप इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें दूध डाल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जो चीनी के अंदर मैल होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो वो ये है कि आप झाकू हटा दीजिएगा तो चीनी एकदम क्लियर हो जाएगी। यहाँ अभी हम चीनी को यहाँ पर अभी पका रहे हैं। हमें 1 तार की चीनी चाहिए यहाँ पर, चाशनी सॉरी। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे मीडियम फ्लेम पर। आप चाहे तो इसमें पिसी हुई इलायची भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर खोल कर डाल दी इलायची, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। चीनी को यहाँ पे पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब हम चाशनी को चेक करते हैं। ये देखें, ये बस 1 तार बिल्कुल हल्का सा ऐसे ही बनना चाहिए, हमें बिल्कुल ऐसे ही चाशनी चाहिए। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसके अंदर अब डालेंगे हम 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस, ताकि चीनी हमारी यहाँ पे जमे नहीं। इसे मिक्स करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। फिर जलेबियों का बैटर जो है हमने डालने के लिए किस तरह का पॉलीथीन बैग लिया हुआ है। अगर आपके पास केचप की बॉटल है तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको यूँ साइड में से इसको जो लंबा है यहाँ से इसको कट कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको यहाँ पर से कट कर दिया है। ये अब इस तरह का हमारे पास, ये देखें ये इस तरह हमारे पास ये तैयार हो गया है। अब हम इसे गिलास में रखेंगे, देख सकते हैं आप। और इसके अंदर हम जो हमने बैटर बना के रखा हुआ है ये डाल देते हैं। थोड़ा सा और डाल देते हैं,
बैटर हमने डाल लिया, अब यूँ पकड़ के इसको निकालते हैं आराम से। ये देखें ये हमारी कोन रेडी हो गई है, इसको यूँ घुमा लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से हम कट करेंगे, जितनी हमें मोटी या पतली चाहिए यहाँ से हम कट कर लेते हैं। ये देखें ये देखें ये निकलना स्टार्ट हो गई है। यहाँ हम घी यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने घी को जो है मीडियम से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे गरम किया हुआ है। चले जलेबी बनाना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यहाँ पे हमने जलेबी डाल दी है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे जलेबियाँ तैयार हो रही हैं। और ये देख सकते हैं आप कि ये फूल कर ऊपर आ गई हैं। फ्लेम हमने इस वक्त मीडियम किए हुए हैं यहाँ पर। जब ये अच्छे से एक साइड से सिक जाएंगी तो फिर हम इसकी साइडें चेंज कर देंगे। जलेबियाँ एक साइड से हो गई, अब इनकी साइडें चेंज कर देते हैं। जलेबियाँ दूसरी साइड से भी हो गई हैं। ये देखिए इनका अच्छा कलर आ गया। बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और गरम गरम में ये फौरन ही शीरे में डाल देंगे इनको। ये देखिए जलेबियों को हमने शीरे में डाल दिया है और इनको तकरीबन 10 से 12 सेकंड के लिए इसके अंदर ही ऐसे ही डाला रहने देंगे। और अच्छे से इनको शीरे में हमें डिप करना है। ये देखिए इस तरह कर लें ताकि तमाम शीरे में डूब जाए, क्या डूबना ज़रूरी है। ये देखें यहाँ पे जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। बस हमें इसमें से निकाल लेते हैं शीरे में से इनको और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अब हम आपको एक जलेबी तोड़ के दिखाते हैं कि कितनी क्रिस्पी और कितनी जूसी बनी है। ये देखें ये देख सकते हैं आप, ऐसे ये देख सकते हैं आप जूसी और क्रंची बनी है बहुत और बहुत मज़े की है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।